दोस्तों SBI क्यूज बैंकिंग के अंदर आपको कैश विड्रॉल कैसे करना है, बैलेंस चेक करना कैसे करना है, फंड ट्रांसफ़र कैसे करना है, बहुत सारे तरीके बताऊंगा। तो ये वीडियो को जो है आप लास्ट तक देख सकते हो। आज मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। सबसे पहले आपको होम पे जाके यहाँ आपको CIF नंबर जो आपको इधर देखिए कस्टमर नंबर जो कि CIF अपना कस्टमर का पासबुक लेके वहाँ पर आपको CIF नंबर टाइप करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना होगा। लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या होता है दोस्तों, इनवैलिड CIF इसलिए होता है जो कि आपका वो जो बंदा है, वो जो कस्टमर है, वो अभी अभी रिसेंटली अकाउंट खुलवाया है, तो जो पहले का अकाउंट होता था वो CIF में उड्रल हो जाता था। तो अभी के लिए आपको AEPS यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, आपको इसी प्रोसेस में बताऊंगा। तो उसके बाद बैंक सेलेक्ट कर लेना है, बैंक कोई भी हो आपको चलेगा, SBI हो या फिर जो भी आपको बैंक है वो सेलेक्ट कर लेना है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे आधार नंबर वही कस्टमर का आपको देना होगा। तो मैं अपने कस्टमर का आधार नंबर ले लेता हूँ, फिलहाल मेरा ही दे देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको जो है सेलेक्ट सर्विस पे क्लिक करके आपको जो भी करना है, मैं फिलहाल उड्रल करता हूँ, ठीक है। बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, उड्रल कर सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए उड्रल करूँगा, तो सॉरी मैं पहले बैलेंस इंक्वायरी करूँगा कि उड्रल कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करके आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको अमाउंट फिलअप करना होता है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ इसलिए 10 रुपये कर रहा हूँ, सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। आपको इधर आने के बाद जो है आपका जो कि पैसा होगा उसी हिसाब से आपको सेटिंग करना है, जो भी रुपया होगा कितना रुपये दे रहे हो, कितना ठो है, 10 रुपये अगर है तो 1 में 10 आप टाइप कीजिए। उसके बाद कस्टमर का आपको फिंगरप्रिंट लेना है, तो कौन सा फिंगर आपको देना होगा वो चूज़ करके ऑथराइज पे क्लिक करने के बाद अपना मॉर्फो जो है मोरपो पे आपको जो है अंगूठा प्रेस करना होगा उसी अंगूठे को। उसके बाद आपका कस्टमर कैप्चर सक्सेस बताएगा, तो आपको ओके पे क्लिक कर लेना है। और आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो होगा दोस्तों वो आपको इधर डाल देना है, गलती मत कीजिएगा नहीं तो आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। उसके बाद ऑथराइज पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए मैंने गलती से दूसरा वाला पासवर्ड दे दिया था, ट्रांजैक्शन पासवर्ड नहीं था, तो मैं अभी सही ट्रांजैक्शन पासवर्ड मारूंगा अभी और ऑथराइज पे क्लिक करके ओके में इसे कंफर्म करूंगा, ठीक है। आप देखिए अभी जर्नल नंबर आ चुका है, यानी कि ये कम्प्लीटली मेरा अकाउंट से पैसा कट हो चुका है और इसी अकाउंट पे डिपॉजिट हो चुका है जो कि SBI का कियोस बैंकिंग का वॉलेट में, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, ठीक। वैसे ही आपको AEPS ट्रांजेक्शन में जाना है, जाने के बाद दोस्तों वो आपको बैंक नेम सेलेक्ट कर लेना है जो भी बैंक होगा। उसके बाद आपको आधार नंबर डाल देना है, आधार नंबर देने के बाद सेलेक्ट सर्विस पे क्लिक करके आपको बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करना होगा। मैं बैलेंस इंक्वायरी कर लेता हूँ, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करूँगा और IAG पे क्लिक करके जो भी फिंगर है आपको देके सर जैसे ही आप सेम प्रोसेस सब, तो मैं ऑथराइज पे क्लिक करूँगा अभी और जो मॉर्फो पे अंगूठा दबाने के बाद ओके पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करना होगा। देखिए दोस्तों इधर आपको पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है, हालांकि मिनी स्टेटमेंट इधर नहीं निकलता, मैंने जो आपको CIF का प्रोसेस बताया था उधर मिनी स्टेटमेंट निकलता है। उसके बाद बैंक और एक आपको बताऊंगा फंड ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। मान लीजिए मेरे अकाउंट पर पैसा है और मैं किसी और फ्रेंड को या फिर कोई भी कस्टमर को देना चाहता हूँ पैसा आधार नंबर के द्वारा, तो मेरा पहले आधार नंबर होगा जो भी बैंक का होगा, पहले SBI का होगा क्योंकि SBI के अलावा और कोई बैंक में आपका फंड ट्रांसफ़र नहीं होगा, SBI के उस बैंकिंग में आता, ठीक है। तो मैं पहले SBI चला करके अपना आधार नंबर दूंगा, उसके बाद फंड ट्रांसफ़र क्लिक करके उसी बंदे का बैंक और आधार नंबर दूंगा जिस बैंक को आपको ट्रांसफ़र करना है, तो मैं उसी बंदे का आधार नंबर इधर मार लेता हूँ। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ऊपर में आपका होगा जिस अकाउंट से जाएगा और आपका जिस बैंक से जाएगा, नीचे ऑनर्स फंड ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद नीचे जिस बैंक अकाउंट को जाएगा, जिस बंदे के अकाउंट पे जाएगा उसी बंदे का आपको आधार नंबर नीचे प्रेस करना होगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कीजिए, ठीक है, सब कुछ ठीक है। अभी मैं सबमिट पे क्लिक करके IAGree पे क्लिक करूँगा। उसके बाद कितना अमाउंट डालना है आपको, वही अमाउंट आपको डालना होगा। मैं एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ, 10 रुपये कर देता हूँ और वेरीफाई करने के बाद आपको अपना जो भी अंगूठा है जो जिसमें आपको सेटिंग होता है वहाँ पर बता दीजिएगा और मॉर्फो पे अपना अंगूठा लगाइए और अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड दीजिए। तो जिस कस्टमर का आपको करना है उसी कस्टमर का आपको अंगूठा चबाना होगा, दबाना होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों वेरीफाई सक्सेस हो चुका है, कन्फर्म।
यानी कि कंप्लीट हो चुका है। आप इधर से डिपॉजिट, विड्रॉल और फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मिनी स्टेटमेंट इधर से नहीं निकलेगा, बैलेंस इंक्वायरी हो जाएगा। आपको जो मैं पहले बताया था, होम पे जाने के बाद CIF नंबर देने के बाद वहाँ पर आपको जो है CIF नंबर जिसका वैलिड होगा वहाँ पर आप कर सकते हैं अपना मिनी स्टेटमेंट। तो इधर आपको बैलेंस इंक्वायरी, डिपॉजिट वगैरह मिल जाते हैं। तो दोस्तों मैंने इधर मैं बताया, इसी यहाँ पर आपको नंबर देके, CIF नंबर देके मिनी स्टेटमेंट निकल सकता है, लेकिन AEPS में नहीं निकलता दोस्तों। और ATM बा करना है तो कार्ड बेस्ड सर्विस में जाना होगा। लेकिन दोस्तों मैं अभी बताना चाहता था कि बैलेंस की इंक्वायरी कैसे करते हैं, विड्रॉल कैसे करते हैं और आपका डिपॉजिट कैसे करते हैं, वैसे ही सेम प्रोसेस है, और विड्रॉल कैसे करते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को। थैंक यू, और सब्सक्राइब जरूर करना।